हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज रौनक की विस्तार से वीडियो लेकर आए हैं। सही उन्होंने एक्सप्लेन किया कल क्या हुआ है, पाकिस्तान फाइनल आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इंग्लैंड के बारे में कोई फैक्ट्स हैं, और आगे इंडियन टीम का क्या होगा वो भी शायद इन्होंने बताया। अच्छा। देखते हैं भाई जल्दी से क्या होने लगे, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ रौनक। रणतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं आप? देखो मोदी जी 2014 से वेट करते रह गए, लेकिन ऋषि सुनक की किस्मत देखो, पीएम बनने का महीने भर के अंदर उनकी टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत कर ले आई। लेकिन देखिए, इंग्लैंड की वर्ल्ड कप जीत कोई तुक्का नहीं है। हम आपको कल सुबह की वीडियो में भी बता चुके थे कि इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल खेलने की डिजर्विंग टीम है, और ये बात तो हम जब अपना टीम प्रीव्यू कर रहे थे तभी हमने कह दी थी कि इंग्लैंड से मजबूत टीम इस टूर्नामेंट में कोई है ही नहीं। ऊपर से लेके नीचे तक धांसू खिलाड़ी। 2016 में लगातार 4 छक्के खाने वाले बेन स्टोक्स का पहल, 2019 और फिर 2022 वर्ल्ड कप फाइनल में रिडेम्पशन हुआ है। वो ये सिखाते हैं कि कभी एक सा नहीं रहता। प्लेयर ऑफ द फाइनल एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले सैम करन को टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान तो क्या किसी भी टीम ने सीरियसली नहीं लिया होगा। पाकिस्तान को यही लगा होगा कि फाइनल अगर संडे की जगह मंडे हो जाता तो बेहतर था, कम से कम सैम करन स्कूल में तो होते। सैम करन की सक्सेस ये दिखाती है कि उम्र और एक्सपीरियंस से ज्यादा टैलेंट मायने रखता है। क्यों बनी है इंग्लैंड चैंपियन, और हम इंडिया यानी टीम इंडिया उनसे क्या सीख सकती है, आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इंग्लैंड कैसे ऊंचाई पर पहुंची, आइए इसकी बात करते हैं। लेकिन ऊंचाई से आता है ऊंचाई फिल्म का रिव्यू भी हमने अपने आरजे रौनक रिव्यू चैनल पर किया है, जाकर उसको भी जरूर देखिए, एक नजर वहां भी मारिए। बात करते हैं रीजन नंबर 1, ब्रेव क्रिकेट। फॉर्मेट कोई भी हो, इंग्लैंड दबकर क्रिकेट खेलना नहीं जानती। 2011 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड आयरलैंड से हारकर बाहर हुआ था, 15 में बांग्लादेश से, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना पूरा सिस्टम रिवैम्प कर दिया। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस वाली फिलॉसफी अपनाई। इस फिलॉसफी ने उनकी मदद भी की। 2016 में वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, 19 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, 21 में हुए एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में थे, और 22 में T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन बने। अगर आप इंग्लैंड की टीम पर एक नजर डालेंगे तो ऊपर से नीचे तक सारे हिटर हैं। शायद एक डेविड मलान आपको एंकर के रूप में दिखे, लेकिन उनके अलावा सब के सब देखो और पेलो वाली क्रिकेट खेलते हैं। इंग्लैंड ने यह सिखाया है कि एक टीम में एक से ज्यादा एंकर नहीं हो सकते। T20 वर्ल्ड कप की दो सबसे कामयाब टीमें यानी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज इसी अप्रोच से वर्ल्ड कप जीते हैं। यानी इंडिया में भी अब एक से ज्यादा एंकर नहीं चलना चाहिए। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली में से सिर्फ एक ही एंकर की भूमिका निभा सकता है, और फिलहाल इस काम के लिए सिर्फ विराट ही परफेक्ट कैंडिडेट दिखते हैं। अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल को अभी भी T20 क्रिकेट खेलना है तो फिर अप्रोच चेंज करनी होगी ब्रो। लेसन नंबर 2, बैलेंस्ड टीम। T20 में खेल का नक्शा बस एक या दो ओवर में ही पलट जाता है, और वो एक या दो ओवर बल्लेबाजी या गेंदबाजी किसी के भी हो सकते हैं। ऐसे में आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा तो मजबूत पक्ष बल्लेबाजी था जो कि इंडिया का, लेकिन गेंदबाजी भी कमजोर नहीं हो सकती। इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी थी लेकिन बॉलिंग लैक कर रही थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने उन्हें धोखा दिया। कल अगर 150 रन बने होते तो यही पाकिस्तान शायद आज चैंपियन होती। मजबूती इंग्लैंड की भी बल्लेबाजी है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी बॉलिंग किसी डिपार्टमेंट में लैक कर रही है। स्विंग गेंदबाजी में उनके पास क्रिस वोक्स थे, एक्सप्रेस पेस चाहिए तो माकूर थे, बढ़िया डेथ ओवर डालने के लिए सैम करन थे। माना कि बुमराह इंजर्ड थे लेकिन उनके ना होने के बावजूद हमारी गेंदबाजी यूनिट में वैरायटी नहीं थी। एक भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जो पूरा एक ओवर 140 से ऊपर की स्पीड में निकाल दे। इंग्लैंड ने तो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में दो लेग स्पिनर से गेंदबाजी कराई। आज तो T20 क्रिकेट में कोई टीम दो लेग स्पिनर रखने की हिम्मत न करे। उन्होंने खिला भी लिया और आदिल रशीद ने उन्हें जिता भी दिया। हमारे लेग स्पिनर चहल टूर्नामेंट में एक को मैच नहीं खेले, क्या समझे? लेसन नंबर 3, बैकअप तैयार कीजिए। इंडिया और इंग्लैंड के साथ पिछले 2 सालों में एक बात जो कॉमन रही है कि दोनों एक ही टाइम पर अलग अलग देशों से अलग अलग टीमें उतार कर क्रिकेट खेले, यानी दोनों देशों की बेंच स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त है। लेकिन इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ की खासियत यह है कि उन्होंने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया अपने खिलाड़ियों का। देखिए, जब हमारे गेंदबाज इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं ले पाए तो सबको जसप्रीत बुमराह याद आए, लेकिन इंग्लैंड के प्रीमियर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर 1.5 साल से टीम का हिस्सा नहीं है, मगर उनकी बिल्कुल भी कमी नहीं थी क्योंकि उन्होंने मार्क वुड के रूप में जोफ्रा आर्चर की रिप्लेसमेंट तैयार रखी थी। इसी तरह उनके पास इस वर्ल्ड कप में जॉनी बेस्टो नहीं, लेकिन एलेक्स हेल्स को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में जॉनी बेस्टो को मिस
प्रैक्टिस किया भी है नहीं। बेंच स्ट्रेंथ होना एक बात है, ड्यूटी में खिला लेना एक साथ एक बात है, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइम पर आप दो टीमें नहीं खिलाएंगे ना, वहां पर आपको एक ही टीम उतारनी है। क्रिकेट जिस वॉल्यूम में खेला जा रहा है उसमें इंजरी भी होगी। इंग्लैंड मॉडल से हमें यह सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने प्रीमियम खिलाड़ियों का बैकअप तैयार किया जाए। बाकी तो देखो ये सब एनालिसिस इसलिए है क्योंकि हम हार गए और इंग्लैंड जीत गया, और धोनी ने यही कहा था कि एक बार की जीत आपकी 100 गलतियों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन उस जीत से वो हार बेहतर है जो हमें सिखा कर जाए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ल्ड कप में हमने जो गलतियां की हैं 2024 में उनको नहीं दोहराएंगे। मैं बिलाल यहां से चलता हूं, आपसे मिलूंगा कल सुबह एक और बढ़िया वीडियो लेकर। आरजे रौनक टीम ऑफ द टूर्नामेंट। हमने देखा है कई सारे क्रिकेट वाले बनाते हैं अपने अपने हिसाब से टीम ऑफ द टूर्नामेंट, हमने सोचा हम भी बना देते हैं। तो आपको बताएंगे मेरी प्लेइंग 11 क्या है 2022 टी20 वर्ल्ड कप की। आपको भी कोई सजेशन देना है तो इसी के साथ वीडियो खत्म, वर्ल्ड कप का समाप्त हुआ। एक अच्छा वर्ल्ड कप हमने देखा, मजा आया यार। जब तक इंडिया पाकिस्तान टीम में थे, मतलब वर्ल्ड कप में थे, रौनक बनी थी। जैसे इंडिया निकला मैं कहता हूँ, और तुमने ये बात नोट की होगी, जहाँ पर भी चले जाओ जो भी बड़ा टूर्नामेंट हो वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान को तुम्हें सबसे ज्यादा, यही बात है, यही दो टीमें चार चांद लगाती है, चार चांद लगाती है और आईसीसी को दो ओवर उसने नहीं कराया और गेम निकल, एक तरह से गेम उन्होंने पलट दी थी, पलट दी थी वाकई में। जिस तरह से नसीम शाह ने ओवर कराए थे ना, गेम पलट चुकी थी, क्योंकि दो ओवर नसीम पेसर्स को एक दो रन, ये चाचू भूसड़ी का है और सारा। देखो शाहीन ने पहली बॉल मोइन अली को कराई, उससे मिस हो गई, उससे डॉट बॉल उसने करवा दी यार, बहुत इंपैक्ट डालती वो। मैं हालांकि उसका टांग हो सकता है, देखो मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान जीत जाता, हो सकता है पाकिस्तान हार भी जाता, लेकिन इस तरीके से नहीं। मतलब मैच बहुत आगे तक जा जाते, आखिरी बॉल तक गेम जा सकती थी। एक ओवर से हम यार जब शाहीन आया ना 29 बॉलों पे 41 स्कोर चाहिए था, तो बहुत और उसने एक बॉल मिस भी कर मिस भी करा दी थी उसने। मतलब आप अंदाजा लगाओ तो बहुत ही ज्यादा वहां पर, उसके बाद तो बस समझ उन्होंने फिर ऐसा उन्होंने कहा है कि बस यही बॉलर है, अब इनको पीटते हैं। मतलब इसी वजह से यह होता है अक्सर, ये देखो इसलिए तो। और इंडियन टीम को भाई देखो, रिप्लेसमेंट इंडिया के बॉलर्स के बिल्कुल बैट्समैन, इंडियन जो जर्नलिस्ट उधर थे जो क्रिकेट की सूझबूझ रखते, इंडियन प्लेयर्स जो थे वो यही कह रहे थे कि शाहीन के जाने की वजह से बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और दूसरी बात भाई, इंडिया को अभी इंडिया भी सोचेगा और पाकिस्तान भी सोचेगा, इंडिया बॉलिंग पर तो पाकिस्तान बैटिंग पर। यार हमारी बैटिंग में सच में बताऊं शुरू से ऐसी है, हमारी बैटिंग 10 साल हो गए ऐसी चल रही है, 10 से 12 साल हो गए ऐसी चल रही है, और इंडिया की बॉलिंग नहीं, कुछ टाइम में इंडिया की बॉलिंग अच्छी होगी थी, हमारी भी कुछ टाइम में तो ऐसे बैटिंग अच्छी हुई थी, लेकिन हमें मुकम्मल इसके ऊपर, बाबर आजम जब फॉर्म में था, रिजवान जब फॉर्म में था, अभी तो ये भी गए, वाकई में ये भी है। और दूसरी बात यार ये मेरी टोक टोक नहीं चल, देखो मेरी पर्सनल एक जो फीलिंग अंदर से आती है, T20 में टोक टोक भी नहीं चलती, जिस तरह भी है यार, अगर इंडियन टीम को, मैं सच में बता रहा हूँ ये मेरे दिल की अपनी फीलिंग्स हैं, बाकी देखो इंडियन क्रिकेट बोर्ड वो सबसे बेहतर समझता है, MS धोनी को यार कोच बनाना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ, मेंटर इस तरह, मतलब कोच बनाना चाहिए वो, ऐसा उनको सिखाएगा कि उनसे, मैं कहता हूँ उनसे बेटर अभी इस टाइम कोई कोच नहीं है, वो कोच बन जाए, वो कोच हो तो यार मजा ही आ जाए। आपका क्या कहना है गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।